बुलंद आवाज माझे परम मित्र आहेत भरत पाटील यांनी या स्पर्धेला देखील खूप सारे शुभेच्छा दिल्यात. भरत पाटील आपला हार्दिक स्वागत आहे. भावेश आणि विजय ही सलामीची जोडी. तर पॉवर प्लेच्या षटकाला सुरुवात करताना गोलंदाज निश्चितच बघायला मिळतोय विशाल. दोन्ही पंच मैदानाच्या आतमध्ये स्पर्लेक पंचांच्या भूमिकेमध्ये ओमकार पाटील आणि नागराज मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये. गेम ऑन. पहिल्या चेंडूवर लॉफ्ट केलेलं आहे. जबरदस्त प्रयत्न केला होता. वेटिंग फॉर द अंपायर डिसिजन. चेंडू लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. सहा धावांसाठी षटकार. धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवर धमाका बघायला मिळाला. लीडिंग एज गोलंदाज झेपावत आहे. कॉट एंड बोल्ड पहिला फलंदाज बाद. गावदेवी बाळकुम या संघाचा खेळी संपुष्ट दल्य. भावेश याची भावेशने पहिल्या चेंडूवर एक जबरदस्त षटकार ठोकला. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये गोलंदाजाने अप्रतिम झेल टिपला. फॉलो थ्रूमध्ये कॉट एंड बोल्ड. सहा या धावसंख्येवर पहिला धक्का लागलेला आहे. गावदेव बाळकुम या संघाला. न्यू बॅटर भूषण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेलं आहे. भूषण भोईर. पण आज प्रितेश जोशी निश्चितच संघामध्ये खेळताना दिसणार नाही काही कारणास्तव. आणि कुठे ना कुठेतरी संघासाठी मी तर म्हणेन खूप लॉस असेल कारण अष्टपैलू खेळाडू आहे प्रितेश. निश्चितच आउट ऑफ टूर आहेत. आउट ऑफ इंडिया बँकॉक येथे सध्या ते टूरवर आहेत. आणि या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते. धावपलकर 7 एक बाद 7. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. निश्चितच प्रितेश जोशी सध्या लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेचा आनंद घेताना. प्रितेश जोशी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. स्ट्रेट फटका खेळलेला अगदी खेचून मारला होता फटका. क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. जबरदस्त फिल्डिंग बघायला मिळते. तोपर्यंत अवधी होता बॅटरकडे दोन धावा कंप्लीट करण्याचा. धावसंख्या वाढते. धावपलकर 9. 9 एक खेळाडू बाद. विशाल 7-8 पावलांचा रनअप. चांगला फटका. स्ट्रेट फटका खेळला होता. जबरदस्त प्रयत्न केला होता फॉलो थ्रू मध्ये झेल घेण्यासाठी. पण एका हाताने झेल टिपण्याचा प्रयत्न. चेंडू हाताला स्पर्श करून गेला. अगदी स्ट्रेट मिडॉपला. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या कायम. धावपलका 9 एकाकड्याच्या मोबदल्यात. शेवटचा चेंडू आहे पहिल्या षटकामधील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट विशाल. चांगला चेंडू होता. स्विंग अँड मिस. ब्युटिफुल बॉल. फलंदाजाला चकवा देणारा चेंडू होता. चकित करणारा चेंडू होता. चेंडू जातो निर्धाव. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावपलकावर 1-9. मित्रांनो आपण पाहतात प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी देखील अतिशय दैदिप्यमान क्रिकेटचा सोहळा. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित भव्य आणि दिव्य अशी क्रिकेट स्पर्धा 2024 चे दिमागदार आयोजन.
सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. यानंतर जे संघ इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला बघायला मिळतील, आपण इथे उपस्थित झाला असाल तर संपर्क साधायचा आहे. ड्रीम इलेव्हन माजीवडा, सतीआई मोघरपाडा, उत्तन बॉईज उत्तन, एस डी केवनी, चेतन टीमचा कॅप्टन बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. समोर जाईल बॅटर विजय. कॅप्टन टू कॅप्टन असा बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. चांगला कॉन्टेस्ट बघायला मिळेल दोन खेळाडूंमध्ये. चेतन पुल करायचं होतं, बॅटच्या टोवर चेंडू लागलेला आहे. एकच धाव तिथे पूर्ण करताना बॅटर विजय. धावसंख्या वाढते धावपलकावर, 10 डबल डिजिट दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे. पुन्हा एकदा चेतन सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. सामोरं जाईल बॅटर भूषण. चांगला फटका आहे ऑन साईडला. एक धाव पूर्ण करताना मिडविकेटला चांगले क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळेल, एकापेक्षा काही नाही. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकताना धावपलकावर 11 धावा, एक गडी बाद झालेले. चेतन आमच्यापासून दूर जातोय. चांगला लॉपटेड फटका खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षकाला चकून चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार विजयच्या बॅटमधून चौकार आलेला आहे. धावसंख्या वाढते धावपलकावर 15. पुन्हा एकदा अगदी स्ट्रेट फटका खेळायचा होता पण प्रॉपर एलिव्हेशन तिथे मिळालेलं नाही फटक्या मागे. एक धाव पूर्ण केलेली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता. फक्त एकच धाव मिळेल सिंगलने. धावसंख्या 16 याकड्यावर जाऊन पोहोचलेली आहे एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजून दोन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे दुसऱ्या षटकामधील. ड्रीम इलेव्हन माजीवडा, सतीआई मोघरपाडा, उत्तन बॉईज, एस डी केवनी आपण संपर्क साधायचा आहे. चेतन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. जबरदस्त फटका, उंची गाठलेली, लांबी गाठेल का, आउट, टॉप द पार्क, भव्य षटकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्या झपाट्याने वाढते धावपलकर 22. भूषण भोईरच्या बॅटमधून हा धमाकेदार षटकार आलेला आहे. शेवटचा चेंडू आहे दुसऱ्या षटकातील. चेंडू मात्र निश्चितच फलंदाज आवाक्याच्या आणि रीचच्या बाहेरचा होता. पंचांनी व्हाईट बॉल घोषित केलेला आहे. वन फॉर द ओव्हरचा देखील इशारा येतोय पंचांकडून. एक धाव निश्चितच ऍड केली जाईल धावफलकावर. धावसंख्या वाढते 23. खरं तर
बाउन्सर चेंडू टाकला होता अगदी फलंदाज आवाक्याच्या आणि रीचच्या बाहेरचा चेंडू. वन फॉर दी ओव्हरचा देखील इशारा आलेला आहे. पुन्हा एकदा चेतन सज्ज होतोय. चेंडूला पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू होता ऑन साईडला. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक दक्ष आहे. एकच धाव पूर्ण करतोय तिथे भूषण. अशा प्रकारे दोन षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावपलकावर 24 बरोबर 12.00 सरासरीने धावा जोडल्या आहेत. करंट रनरेटचा आपण जर विचार केला तर एक चांगलं लक्ष गाठण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एक चांगली धावगती गावदेवी बाळकुम या संघाची बघायला मिळते नाणेफेक गमावल्यानंतर. आणि ह्या ग्राउंडचा आपण जर विचार केला तर निश्चितच 60 किंवा 50 धावा देखील सेफ नाहीत. म्हणजे किमान मी तर म्हणेन 60+ धावा जर जोडल्या तर एक चांगलं लक्ष ठरू शकतं. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर सुशांत. समोर जाईल बॅटर भूषण भोईर ज्याने एक षटकार लगावलेला आहे. आता मात्र ही दोन षटक स्लॉगवर ह्या दोन षटकांमध्ये जितक्या जास्त धावा येतील तेवढ्या संघासाठी लाभदायक असतील, हितकारक असतील. पण इथून जर कमी धावांचं षटक टाकलं गोलंदाजांनी तर निश्चितच प्रेक्षकांना एक लो स्कोरिंगचा सामना बघायला मिळेल असं म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही. सुशांत चेंडू सोडून दिलेले आहे. लेगस्टिक सोडून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. या अतिरिक्त धावसंख्येच्या मदतीने धावसंख्या वाढते 25. 25 एक खेळाडू बाद. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ झालेला आहे. सुशांत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चेंडूला मात्र जबरदस्त ऑन ड्राईव्हचा फटका खेळलेला आहे. गचाल क्षेत्ररक्षण आउटफील्ड मध्ये बघायला मिळते आणि त्याचा फायदा घेतलेला आहे. भूषण दोन धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या वाढते धावपलकर 27. 27 धावा. तिसऱ्या षटकाला निश्चितच प्रारंभ झालेला आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होताना बॉलिंग मार्कवर सुशांत. सुशांत भूषण भोईरला शांत ठेवेल का? फिल्डिंग मध्ये चेंजेस परिवर्तन केला जातोय. मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटच्या टोवर लागून जाते चेंडू बिहाइंड द विकेट. डिक्लेअर झोन मध्ये फक्त एकच धाव मिळेल. धावसंख्या धावपलकावर 28. स्वर्गीय दामोदर शेळके हे ग्राउंड कोलशेत गावचा हार्ट आहे. चेंडूला मात्र लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. उंची गाठलेली आहे. लांबी गाठणार का? कॅच ड्रॉप. चेंडू धरणीला दान. आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद. दोन धाव पूर्ण करतोय बॅटर भूषण. धावसंख्या वाढते धावपलकावर 30. संधी चालून आली होती. धावता झेल मात्र टिपण्याचा खूप चांगला शर्तीचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. निकराचे प्रयत्न केले होते झेल टिपण्यासाठी. कॅच ड्रॉप. पुन्हा एकदा सुशांत. चेंडू मात्र तिथे एक्झॅक्टली काय घडले पाहावं लागेल. यस अराउंड द लेग त्रिफलाबाद. दांडी 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 गुल. अतिशय जबरदस्त चेंडू टाकला होता. निश्चितच पाहतोय दोन चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आहे. तिसऱ्या षटकामधील अराउंड द लेग त्रिफला बाद गेलेला आहे. घराचं दार जर उघडं ठेवलं तर चोरी होणारच. आणि पाहतोय आपण अराउंड द लेग दांडी गुल केलेली आहे सुशांत याने.
भूषण भोईर बाद होते, धाव संख्या धावपलका 30, पुनः एकदा सुशांत सज्ज होते, सामोर जाईल न्यू बॅटर चेतन। बॅकफुटला जात असताना पंच केलेले आहे, फक्त एकच धाव मिळेल। डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला होता, सिंगलने धाव संख्या 31 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलेली आहे। सुशांत शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालेले आहे। तिसऱ्या षटकामधील बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म वर दे विकेट, जोरदार हिट करायचं होतं, अपील देखील जोरदार झाला होता, पंचाने अपील फेटाळून लावलेलं आहे। एक धाव पूर्ण केलेली आहे। लेग बाय स्वरूपामध्ये धाव आलेली आहे। या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते धावपलकावर 32 तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर। विशालने 9 धावा खर्च केल्या, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक गडी बाद केला, चेतनने 15 धावा खर्च केल्या होत्या, सुशांतने मात्र ह्या षटकामध्ये खूप भेदक गोलंदाजी केली, धावांना ब्रेक लावणारी गोलंदाजी केली, फक्त 8 धावा देणे खर्च केल्या आणि गडी बाद केला 1। ओमकार शेळके अतिशय जबरदस्त स्कोरिंग करताना, बोटांची जादू दाखवताना आपलं हार्दिक स्वागत आहे कॉमेंट्री बॉक्स स्टुडिओमध्ये। शेवटच्या षटकाला प्रारंभ होईल, भाव्यालेवन वाघबिल आपण कुठेही जाऊ नका, कारण चालू सामन्यातील विजयी संघाशी आपल्याला लगेच लढत द्यावी लागेल याची नोंद घ्यायची आहे। जिंकणारा जो संघ असेल त्याने कुठेही जायचं नाही, आयोजकांची परवानगी घेतल्याशिवाय। यतीन ठाकूर खूप मेहनत घेताना ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी, खूप लाख मोलाचं योगदान त्यांचं देखील आम्हाला लाभलेलं आहे। ह्या स्पर्धेसाठी चेंडूला मात्र लॉफ्ट केलेलं आहे, क्षेत्ररक्षक दक्ष आहे, एक धाव पूर्ण केलेली आहे। दुसरी धाव घेण्याचा आत्मघातकी प्रयत्न केला जातोय, फक्त एकच धावेवर संतुष्ट बॅटर चेतन। धाव संख्या वाढते धावपलकावर 33। पुन्हा एकदा सज्ज होताना बॉलिंग मार्कवर किरण, किरण स्टेप मध्ये चुकतोय, पुन्हा एकदा वळतोय, स्ट्रेट फटका खेळलेला आहे, स्वीट शॉट फेकून दिलेला आहे चेंडूला, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, झन्नाटेदार षटकार। जबरदस्त कडक सिक्सर बघायला मिळाला, धावसंख्या वाढते धावपलकावर 39। विजयच्या बॅटमधून षटकार आलेला आहे, पुन्हा एकदा शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे, चेंडू झाला मिड विकेट, सीमा रेषेच्या पलीकडे, 4 धावांसाठी चौकार, गुड शॉट। विजय वैती कॅप्टन नॉक इनिंग खेळते, धावसंख्या वाढते धावपलकावर 43। चांगला समाचार घेतला जातोय किरण, शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय, चांगला फटका खेचून मारलेला आहे, चेंडू सीमा पार, अतिशय जबरदस्त फटका, चौकार।
चौकाराच्या साह्याने धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकताना 47 पुन्हा एकदा खोदून काढलेला आहे चेंडूला. हेलिकॉप्टर उडवलाय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. वन मोर बाउंड्री ब्युटिफुल शॉट 4 रन्स. देवेंद्र शेळके साहेबांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर पाठवलंय चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार. थँक यू डीजे. 57 धावा कुठून काढलेले आहेत.
थैंक यू सो मच मिस्टर जयवंत पाटिल सर, कमेंट्री बॉक्स में भी चेंजेस जरूर करते नजर आए। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, पहले मैच के बारे में बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिला। एक साइड भावेल एंड वाकबिल और ब्रह्मांड पिक की टीम आपस में लड़ती नजर आ रही थी और भावेल एंड वाकबिल का पंथा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ और पहले मैच को जरूर जीतते नजर आते हुए। अब यहाँ से दूसरी इनिंग की शुरुआत करने जा रही है। पहले इनिंग की बात करें तो पहले इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 47 रन जरूर दर्शाता हुआ 58 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इस बार देखिए पहली गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 58 रनों का लक्ष्य जरूर रखा गया है। पहले ही गेंद पर यहाँ पर अपने इरादे क्लियर करते नजर आते हुए बल्लेबाज सुशांत। इस बार देखिए आगे बढ़कर खेलने की प्रहार करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। पहली ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो गेंदबाज अमोल नजर आते हुए जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं पहली गेंद पर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुए लेकिन उसके बाद में अगले ही गेंद पर अपने इरादे और अपने एक्सपीरियंस जरूर क्लियर करते नजर आते हुए गेंदबाज अमोल। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमोल। इस बार देखे स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ बल्लेबाज सुशांत। थोड़ा सा समय लेकर खेल रहे, दो गेंदों पर दो बड़े शॉट जरूर उन्होंने जनरेट किया अमोल। कहीं ना कहीं थोड़े से आज महंगे साबित नजर आते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते हैं लेकिन आज अपने पहले ही ओवर की गेंदबाजी में थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ओवर की बात करें तो पहले ओवर की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 12 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाज के लिए तैयार होते हुए 38 सर्कल के बाहर से शुरुआत करते नजर आते हुए गेंदबाज अमोल। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है, थोड़ा सा मिसफील्ड करते नजर आते हुए उसका पूरा फायदा उठाएगी बैटिंग वाली टीम, गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और सुशांत जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस कर रहे, यहां पर बड़े शॉट से बातचीत करते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज सुशांत। इस बार देखिए अच्छा फ्लिक जरूर किया था, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड देखिए करते नजर आया, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए खिलाड़ी। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ 2 रन लेने में कामयाब, थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर देखने मिला लेकिन आखिरी समय पर गेंद को कलेक्ट करते नजर आते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी आत्मविश्वास की कमी जरूर नजर आती हुई यहाँ पर टीम फील्डिंग वाली टीम के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिखाना होगा अमोल। कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर के अभी तक 5 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी, फुल टॉस को स्वीकारने की कोशिश, यस पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद निकल कर जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 22 रनों पर।
कहीं ना कहीं पहला ओवर जरूर महंगा यहाँ पर जरूर देखने मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पे स्कोर 22 रनों पर दर्शाता हुआ। दूसरी ओवर की बात करें तो पावर प्ले का बंधन यहाँ से खुलता जरूर नजर आएगा। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू जरूर नजर आते और यहाँ से गोलू को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पावर प्ले का बंधन जरूर खुला है। कहीं ना कहीं अमोल थोड़े से आज महंगे साबित हुए। पहले ही ओवर में उन्होंने 22 रन जरूर खर्च किए। लक्ष्य के बारे में बात करें तो 58 रनों का लक्ष्य जरूर यहाँ पर रखा गया। एक बार फिर दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू सामना करेंगे करण। इस बार देखिए हल्के बल्ले से फ्लिक करना चाहते थे, आसानी के साथ स्ट्राइक जरूर रोटेट करते नजर आए। हल्के बल्ले से खेला, केवल एक रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और करण को पता है कि सामने वाले बल्लेबाज सुशांत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक जरूर देखने मिला है यहाँ पर सुशांत के बल्ले से। और एक जिम्मेदारी लेकर एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर यहाँ पर देखने मिली। 23 रनों की पार्टनरशिप जरूर दोनों ही बल्लेबाज करते नजर आते हुए। और यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस मैच को अगर जीतना चाहेगी तो टीम गोलू। दूसरी ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। सुशांत इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, हल्के बल्ले से फ्लिक किया, आसानी के साथ गेंदबाज जरूर गेंद को कलेक्ट करते नजर आए। थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर किया लेकिन यहाँ पर एक रन से संतुष्ट होंगे, दूसरे रन के लिए जरूर नकारते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज को पता है, दोनों ही बल्लेबाज के पास क्षमता है। रन के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 24 रनों पर आसानी के साथ एक एक दो दो रन लेकर दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़ते नजर आते हुए। इस बार देखिए गेंद को जाने जरूर दिया इस हम्पर बताते हुए, गेंद रहेगी वाइट के रूप में। इस वाइट की मदद से अतिरिक्त एक रन स्कोरबोर्ड पे जरूर बढ़ता नजर आता हुआ। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 25 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू तैयार होते हुए सामना करेंगे करण। इस बार देखिए हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी विकेट कीपर के पीछे जरूर जाती नजर आती हुई। केवल एक रन आएंगे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर एक एक दो दो रन के साथ आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट जरूर करते नजर आते हुए। इस बार देखिए आगे बढ़कर खेलने की चाह जरूर रखते खिलाड़ी वहां पर मौजूद। आखिरी समय पर गेंद जरूर हाथ से छूटता नजर आता हुआ। केवल एक रन लेने में संतुष्ट होंगे दोनों ही खिलाड़ी। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 27 रन ऑन बोर्ड। एक एक दो दो रन के साथ आगे बढ़ते नजर आते हुए, खराब गेंद को अच्छा उत्तर देते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज अच्छे पार्टनरशिप का भूमिका निभा रहे हैं। एक दूसरे के साथ एक एक दो दो रन के साथ साथ बढ़ाते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज सुशांत एंड करण। इस पार देखिए हल्के बल्ले से फ्लिक जरूर किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद आसानी के साथ। थोड़ा सा संबल जरूर हुए जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे। आसानी के साथ यहां पर दो रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इस दो रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 29 रनों पर 29 रन ऑन बोर्ड। दूसरी ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर के अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद बची है। कहीं ना कहीं यहाँ पर गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम थोड़ा सा बैकवर्ड में जरूर नजर आती हुई। एक विकेट की जरूरत जरूर है टीम को यहाँ पर। अच्छी पार्टनरशिप करते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज, 29 रनों का पार्टनरशिप जरूर देखने मिला यहाँ पर। लक्ष्य के बारे में बात करें तो 58 रनों का लक्ष्य जरूर रखा गया था और अभी तक अच्छा बल्लेबाज जरूर यहाँ पर करते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज सुशांत एंड करण। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, स्टैंड एंड डिलीवरी करने की शॉट जरूर की थी। गेंद में ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक बड़ा झटका लगता हुआ, करण की पारी समाप्त होती हुई।
थैंक यू जय। इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 29 ऑन बोर्ड 29 रन दर्शाता हुआ। अब यहाँ से आधा स्कोर जरूर बढ़ता नजर आता हुआ 12 गेंदे हो चुकी है 29 रन ऑन बोर्ड। अब यहाँ से आखिरी 12 गेंदे बची है जिसके लिए 29 रनों की जरूरत। अब यहाँ से 50-50 का मैच जरूर कहना होगा। एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर यहाँ पर देखने के लिए मिलना चाहिए अगर कम बैक करने चाहिए टीम यहाँ पर गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश नजर आते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं, धीमी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और आज टीम की जरूरत है। अब यहां से जीत का लक्ष्य 12 गेंदे बची है जीत के लिए 29 रनों की जरूरत। और एक सेट बैट्समैन सुशांत जरूर नजर आते हुए अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर की है अभी तक उन्होंने। सुशांत ने उनके बल्ले से 3 छक्के और 4 चौके जरूर देखने मिले। 24 रनों पर परफॉर्मेंस करते नजर आए बल्लेबाज सुशांत। इस बार देखिए गणेश जबरदस्त पहली गेंद डॉट के रूप में नजर आती हुई और इसी तरह की से गेंदबाजी जरूर करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिलेगा। उसी के साथ मान्यवर अजय जाधव सर जरूर जुड़ते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत। आपसे निवेदन है आपको आना है स्टेज पर आकर मैच का आनंद लेना है। इस बार देखिए तेज तरार गेंदबाजी थोड़े सा फंबल जरूर हुए कहीं ना कहीं थोड़े से गलती करते नजर आए बैठे विकेट कीपर लेकिन कोई फायदा नहीं उठाएंगे यहाँ पर दोनों ही टीम कहीं ना कहीं आपस में बातचीत जरूर करते नजर आते हुए। एक करन की पारी जरूर समाप्त हुई थी उसके बाद में थोड़ा सा कठिनाई में जरूर नजर आते हुए दोनों ही खिलाड़ी और अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली है। गणेश को द्वारा टीम को जरूरत थी और वही जिम्मेदारी और जरूरत करते नजर आते हुए गेंदबाज गणेश। तीसरी ओवर की अभी तक 2 गेंदे हो चुकी है दोनों ही गेंद डॉट के रूप में नजर आती हुई और कहीं ना कहीं यहाँ पर गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम के स्टार प्लेयर प्रीतेश जोशी की कमी जरूर नजर आती हुई अच्छी टीम में और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिनाई में जरूर नजर आ रही है टीम लेकिन अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कहनी होगी गणेश की। इस बार देखिए अपने लाइन और लेंथ से भटकते नजर आते हुए एक्स्ट्रा रन चुराने की कोशिश जरूर कर रहे थे। इस बार देखिए मिस कॉल जरूर किया और उसका पूरा फायदा उठाएंगे यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम। एक बड़ा झटका लगता हुआ यस वाइट की मदद से एक रन जरूर मिलेगा लेकिन एक बड़ा झटका जरूर यहां पर रनआउट के रूप में खिलाड़ी को जाना होगा। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज चेतन गणेश। इस बार देखिए प्रहार जरूर किया था गेंद जाते हुए नोमैन स्टैंड में खिलाड़ी गेंद को कॉर्नर की यस जरूर कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश। अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर वहां पर देखने मिला डीप पॉइंट पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था। गेंद आसानी के साथ 4 रनों के लिए जरूर जाती नजर आती हुई। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 34 रनों पर। तीसरी ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर के अभी तक 3 गेंदे हो चुकी है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक बड़ा झटका लगता हुआ सुशांत की पारी समाप्त होती हुई।
जबरदस्त गेंदबाजी जरूर देखने मिली, एक बड़ा छटका जरूर लगता हुआ यहाँ पर। सुशांत की पारी जरूर समाप्त होती है, सुशांत जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए बड़ा शॉट खेलने की प्रयास जरूर कर रहे थे। और यहाँ से जिस एलिवेशन की जरूरत थी यहाँ पर टीम गांवदेवी स्पोर्ट्स पालकुम को, वही गेंदबाजी अच्छा करते नजर आते हुए गेंदबाज गणेश अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आते हुए और अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। गणेश की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है और लाइन तो लेंथ पे गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ गणेश को द्वारा। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पैट्रो गेंद का इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। इस अंपायर बताते हुए गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, रन आएंगे एक, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 35 रन आउट बोर्ड जरूर नजर आते हुए। तीसरे ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर के अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंदें बची है और अच्छी गेंदबाजी जरूर करते नजर आते हुए गेंदबाज गणेश। अब यहाँ से 7 गेंदें बची है, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत, अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। बैटिंग वाली टीम शुरुआती 12 गेंदों पर 29 रन बनाने में कामयाब जरूर हुए थे, बची 12 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत थी। गेंदबाज गणेश अच्छी गेंदबाजी करते नजर आते हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, फुल टॉस की गेंद थी, गेंद का पूरा फायदा उठाया, गेंद निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 39 रनों पर। इस अंपायर ने रिव्यू लिया है, इस थर्ड अंपायर का मांग जरूर यहां पर किया गया रिव्यू के लिए, थर्ड अंपायर का कॉल है, रिव्यू चेक किया जाएगा यहां पर। फेयर डिलीवरी, यस लीगल डिलीवरी है। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 39 रन ऑन बोर्ड। अब यहां से आखिरी 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों पर जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, 6 बॉल 19 रन टू विन और अच्छी गेंदबाजी जरूर यहां पर गेंदबाज का नजारा देखने मिलता हुआ। गेंदबाज गणेश अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की, कहीं ना कहीं गेंदबाज अमोल थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुए थे, उसके बाद में गोलू ने गेंदबाजी की वो भी थोड़ा सा महंगे साबित हुए हैं और जो एलिवेशन की जरूरत थी वो एलिवेशन यहाँ पर गेंदबाजी में जरूर देखने मिला गेंदबाज गणेश के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी की। चौथी ओवर की बात करें तो यहाँ से आखिरी 6 गेंदें बची है, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, चौथी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय इस टीम के एक जबरदस्त बल्लेबाज ऑलराउंडर की भूमिका निभाते अपने टीम के लिए और इस मैदान पर काफ़ी परफॉर्मेंस उन्होंने खेले हैं। आज जिम्मेदारी बड़ी है, मंच बड़ा है, जीत का लक्ष्य 6 गेंदें बची है, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, जबरदस्त मैच जरूर देखने मिलता हुआ। 6 गेंदें 19 रनों का लक्ष्य जरूर नजर आता हुआ गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय। चलिए मैच ऑन करना है, मैच का लक्ष्य 6 गेंदें 19 रनों की जरूरत। इस बार देखिए पहली गेंद पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे, गेंद जाएगी विकेट कीपर के पीछे से, यस रन आएंगे एक, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 40 रनों पर। अब यहां से एक एक दो दो रन के साथ आगे बढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, हर एक गेंद पर आपको बड़े शॉट जरूर मारने होंगे। अब यहां से आखिरी 5 गेंदें बची है, जीत के लिए 18 रनों की जरूरत, 3 बड़े शॉट इस मैच को समाप्त कर सकते हैं, 2 अच्छी गेंद गांवदेवी स्पोर्ट्स बालकुम
हक का इरादा क्लियर कर सकती है। इस थर्ड अंपायर की मांग जरूर की है। चलिए थर्ड अंपायर की भूमिका में जाना है और थ्रो बॉल के लिए जरूर यहां पर थर्ड अंपायर की मांग की है और थर्ड अंपायर की भूमिका में जरूर नजर आते हुए जीतू शिल्के थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। मैच का सिचुएशन, 5 गेंदें बची है जीत के लिए, 18 रनों की जरूरत, 5-18 का मैच आता हुआ चौथी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय नजर आते हुए। और अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली है। गेंदबाज विजय 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 सिंगल रन जरूर देखने मिले। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय इस पार देख के फ्लिक करना चाहते थे। बैटर गेंद के कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। इस डॉट की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 41 रनों पर। अब यहाँ से जीत का लक्ष्य देखिए, 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों पर जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। कंपल्सरी इस टूर्नामेंट का नियम चेसिंग एंड ड्रेसिंग कंपलसरी, 3 गेंदे 17 रनों की जरूरत। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद निकलकर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से मैच का सिचुएशन देखिए, 2 गेंदे बची है जीत के लिए, 11 रनों की जरूरत, कहीं ना कहीं 3 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। एक बड़ा शॉट जरूर जनरेट किया, स्टैंड एंड डिलीवरी करने में खिलाड़ी यहां पर जरूर नजर आए। अब यहां से 2 गेंदे बची है जीत के लिए, 11 रनों की जरूरत, 2 बड़े शॉट जरूर यहां पर जनरेट करने होंगे। क्षमता है, ताकत के साथ परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहे। पहली वाली गेंद पर एक बड़ा शॉट जरूर जनरेट किया था विजय, अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी होगी, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करनी होगी। मैच का सिचुएशन देखिए, 2 गेंदें बची है जीत के लिए, 11 रनों की जरूरत, 2-11 का मैच आता हुआ एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी, स्वीकार नहीं पाए गेंद को, हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे और इस मैच की अब कहे तो केवल औपचारिकता बची है। 1 गेंदे बची है जीत के लिए, 11 रनों की जरूरत। चलिए भावेलियन वाकबिल कैप्टन प्लीज आपको आना है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय इस बार प्रहार करना चाहते थे, इस बार पूरी तरीके से समाज को अपने नाम करते नजर आए टीम गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम। चलिए गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम कैप्टन प्लीज यू हैव रिक्वेस्ट टू कम, एंड भावेलियन वाकबिल दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको आना है।